Hallelujah. Hallelujah. कितने नाम देते हैं? अब आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। तो आज हम वचन से कुछ लेख पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ पहले हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक इसका एक चैप्टर इसकी 12 वर्ष पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए याद रखूं। यहोवा ने कहा, मात्रा वचन पूरा करने के लिए जागरूक हूं, जाग पाता हूं। तो ये इसी प्रकार हम मती 24 का 35 अध्याय पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं। आकाश टल जाएगा या पृथ्वी टल जाएगी, पर यीशु मसीह ने अपने वचन की गारंटी दी है, ये कभी नहीं टलेगा। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं आज के वचन के लिए खुदावर। और तेरे बेटे बेटी के लिए आशीष मांगता हूँ प्रभु, जितने तेरी हजूरी में आए प्रभु, हर एक को बरकत दे। अपने कमजोर जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जो कहा जाए खुदावर सुनिए, तो तेरे वचन के अनुसार हो प्रभु, ताकि तेरे लोग बरकत पाए, आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम हम सब बैठ सकते। जो भाई बहन जाना चाहते सब जा सकते हैं, लगभग हम सभी जाएंगे, सबको इन्विटेशन है। 9 और 10 मई को हमें यीशु जी आपको बरकत दे। इन दिनों में आप लोग अपने कार्य बड़े जोर से कर रहा है, अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि जितना जितना कमजोर हो रहे हैं उतना पढ़ूंगा काम बढ़ रहा है। तो झूला कहता है प्रभु, अवश्य है कि मैं घटूं और तू बढ़े। प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े, कौन चाहता है कि मैं घटूं और मेरा प्रभु बढ़े। प्रभु जो कुछ मेरा है वो घट जाए, वो खत्म हो जाए, जो तेरा है वो मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं छोटा सा विषय कहना चाहता हूं कि जमीन टल जाएगी, आसमान टलेगा, लेकिन उसने कहा मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा भी जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, लेकिन मेरे मुंह की कहीं भी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो आज हम कुछ बातें देखेंगे जिसके विषय यीशु मसीह ने कहा है कि जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, पर मेरी बातें जानते हैं जहाँ आसमान डाल जाएगा। yes. मैं चाहता हूँ मेरे साथ पहले आप पत्रस 3 का 12 पढ़े, 10 से पढ़े, दूसरा पत्रस 3 का 10 से। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन कैसे आएगा? चोर के समान। ये चोर के समान आएगा, कैसे आएगा? चोर के समान। प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। पढ़िए, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के जाता रहेगा, आकाश जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तत्व होकर बिगड़ जाएंगे। तत्व, संसार के सारे तत्व बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे, सारे ही तत्व पिघल जाएंगे। हालेलुया। और बात कहती है पृथ्वी के ऊपर कोई दीवार खड़ी नहीं होगी, कोई भी दीवार हमारा सोच लगी है हमारे चर्च की दीवार नहीं रह जाएगी, ये भी गिर जाएगी, हम जहाँ नहीं होंगे, हम खड़ी नहीं रहेगी, तब हम इसकी जरूरत ही नहीं होगी, हम अपने प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। आमीन, हालेलुया। सोना चांदी लोहा सोना चांदी जो भी सब पिघल जाएगा, अरे वो सोने से प्रेम करते हैं ना, सारे पिघल जाएगा। बाल कहती है कि चंद्रमा की गर्मी सूर्य के समान होगी, चंद्रमा की गर्मी और सूर्य की गर्मी 7 गुना बढ़ जाएगी, सूर्य की गर्मी 7 गुना बढ़ जाएगी।
आमीन हालेलुया 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 सूर्य की गर्मी 7 गुना बढ़ जाएगी। आगे बढ़िए और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। कौन से काम? परमाणु किसका काम है? पृथ्वी का। मैयाने किसका काम है? पृथ्वी का। गोला भ्रूण किसका काम है? पृथ्वी का। नफरत कहां से आई? शैतान की ओर से आई। नफरत किसका काम है? पृथ्वी का। हालेलुया 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 आमीन आमीन। पृथ्वी के सारे ही काम खत्म हो जाएंगे। सारे ही काम पृथ्वी के खत्म हो जाएंगे। हम जहां नहीं होंगे, हम प्रभु के पास होंगे। आमीन। कैसा दिन आने वाला है? हम बदल जाने वाले हैं। हम बिल्कुल लाश चिन्ह पे खड़े हैं। आमीन हालेलुया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप मसीही जीवन जिए। कौन सा जीवन जिए? मसीही जीवन जिए। विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति तक एक सुसमाचार से भरा हुआ जीवन जिए। आमीन। कोई क्या कहता है उसकी परवाह मत करें, पर ये वचन क्या कहता है बस उसकी परवाह करें। आमीन हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, जब ये सब वस्तुएं पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? तो फिर तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए? आप गोटी जी के आपको कैसा होना चाहिए? क्या लापरवाह? क्या संसार में जीवन जीने वाले? क्या पाप का जीवन जीने वाले? क्या विभेचक का जीवन जीने वाले? क्या बुरी सोचों का जीवन जीने वाले? बुरे चाल चलन का जीवन जीने वाले? लालच का जीवन जीने वाले? फिर हमें कैसे होना चाहिए? फिर हमें कैसे होना चाहिए? हमें वैसा ही होना चाहिए जैसा यीशु मसीह। हालेलुया हमें वैसा ही होना चाहिए जैसे यीशु। आमीन। सबसे पहली डिमांड है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र। पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम्हारा देखना पवित्र, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा सोचना। हालेलुया हालेलुया। तो कैसे जीवन जीना चाहिए? क्या ये हार श्रृंगार वाला, सोने चांदी वाला, फैशन वाला? कैसा जीवन जीना चाहिए तुम्हें? तो तुम्हें वैसा ही जीवन जीना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। पत्नियों को कैसा जीवन जीना चाहिए? देखिए वो हर बात में पति के अधीन हूं। आमीन। तो पत्नियों को कैसा जीवन जीना चाहिए? कि वो अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करें जैसे अपने शरीर से करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन 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 हालेलुया। कभी देखा कि ये अपने शरीर को मारते हुए, अपने शरीर को पीट रहा, अपने शरीर को चीर रहा? नहीं देखा ना? मैंने देखा है, बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति था जो अपने शरीर को मारता था, उसके अंदर बहुत सी दुष्टता थी। क्या था उसके अंदर? उसके अंदर सेना थी पूरी, दुष्टात्मा की पूरी सेना थी उसके अंदर। अपने यीशु को चीरता मारता था। ये बता विकास। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे होना चाहिए? हमें मसीह के समान होना चाहिए। मसीह के समान बोले हम मसीह के समान क्यों नहीं बन सकते? यीशु जी ने कहा तुम सिद्ध बनो जैसा तुम बड़ा बुलाने वाला सिद्ध है। बन नहीं सकते, क्यों कहा तुम बनो? मैंने कहा बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला। हालेलुया जानते हैं सारी पृथ्वी शराबी की तरह ऐसे थे। शराबी ऐसे कभी तो गिरता है, कभी तो गिरता है। पृथ्वी दो पाड़ों गई, पृथ्वी दो पाड़ों गई, पृथ्वी में दरारें आ जाएंगी, पृथ्वी ऐसे झूमेगी जैसे तो छप्पर का छप्पर, जब आंधी आती तो हवा नहीं खाती रहता। पृथ्वी ऐसी हो। हालेलुया सारे काम जल जाएंगे। जैसा राजा होगा वैसे उसका मंत्री होगा, किसी का लिहाज नहीं होगा,
किसी का कोई पक्षपात, पर मुबारक है वो लोग जो यीशु मसीह में होंगे, वो पहले में जाते हमारे समय परमेश्वर ने अपना भविष्यता नहीं जाता। कुछ बातें पढ़ना चाहता हूँ, कोई भाई मेरे साथ जल्दी पढ़ने वाला आ जाए तो सब पढ़ सकते, रुक रुक के नहीं तो भाई आ जाए जल्दी पढ़ सकता है, रुके नहीं पढ़ना, स्पष्ट पढ़ना। वो अमेरिका में पैदा हुआ, हमारे समय का नबी कहाँ पैदा हुआ? अमेरिका में पैदा हुआ। और बल कहती है तुम जिस परमेश्वर को मारने का दावा करते हो वही परमेश्वर तुम्हारा सर्वनाश करेगा, वही परमेश्वर क्या करेगा? बिल्कुल ठीक वैसा ही आज है जिस परमेश्वर की सेवकाई करने का अमेरिका दावा करता है, जिस परमेश्वर को मारने का अमेरिका दावा करता है वही परमेश्वर इस देश पर न्याय लाएगा, ये भविष्यवाणी है, और इसका सर्वनाश करेगा। मैं आशा करता हूँ, ये भविष्यवाणी अमेरिका के लिए, ये अमेरिका के लिए भविष्यवाणी है कि परमेश्वर अमेरिका का सर्वनाश कर देगा। वो तो मसीह लोग हैं, वो मसीह लोग हैं, हाँ उसमें कुछ मसीही लोग जो नाश होने से पहले रहते हैं। कुछ मसीही लोग हैं, सारा अमेरिका मसीही नहीं। बस मैं क्या सकता हूँ, 10 लाख में से 20 लाख लोग मिशन से निकले थे तो वह कितने पहुंचे? बाकी कहां गए? लाशों मृत्युशी परमेश्वर को मानते थे, उन्होंने यीशु मसीह को ज्योति के रूप में देखा था, स्वर्गीय मन्ना खाया था, खाया था भाई तो रास्ते में नाश हो गए। क्यों नाश हो गए? जिस परमेश्वर को मान रहे हो दावा करते थे वही परमेश्वर ने उनका सर्वनाश किया। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपके अंदर गहराई तक समा गई है। मैं आशा करता हूँ कि ये बात गहराई तक आपके अंदर समा गई है और आप में से कदाचित बाहर ना निकलेगी। जिस परमेश्वर से तुम प्रेम करने का दावा करते हो, जिस परमेश्वर से तुम प्रेम करने का दावा करते हो और तुम उससे अपने ही निजी मानव निर्मित मतों सिद्धांतों और अनैतिक जीवन पाप वाला जीवन अपने मत अपने सिद्धांतों के द्वारा और सड़ाहट के द्वारा जो तुम में है जो तुम्हें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाती है प्रेम करते हो प्रिय, वही परमेश्वर तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वही परमेश्वर तुम्हारा ये अमेरिका के लिए भविष्यवाणी है। आमीन। यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी का अंत है। आमीन। आमीन। हालेलुया। साल में ऐसे दिन आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ जकरिया की पुस्तक बता दें, जकरिया नबी से मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ, जमीन टलेगी आसमान टलेगा उसका वचन नहीं टलेगा। जकरिया 14 चैप्टर जब नौ ऐसे पढ़ेंगे आज से पढ़ेंगे बल्कि उस दिन जरूसलम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूर्व की तार और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर पड़ेगी। भाई बोलने सब पढ़ेंगे। उस दिन जरूसलम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। एक राजा बाहर 5 साल बाद वोट ही पड़ेंगे, बाहर कोई बेईमानी नहीं होगी,
वोटों को प्रचार नहीं किया जाएगा, प्रचारक किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य का प्रचार अब किया जा रहा है, तब कोई प्रचार नहीं होगा। प्रचार अब किया जा रहा है, तौबा करो, मन फिराओ और यीशु मसीह को ग्रहण करो। आमीन, हालेलुया। क्या प्रचार किया जा रहा है? मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़िए। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। तब यहोवा सारी ही पृथ्वी का एक देश का नहीं, सारी पृथ्वी का। पढ़िए। और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। उस दिन उसका एक ही नाम होगा, वो नाम प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसकी बारह पढ़े। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मांस से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। अब विचार कीजिए, कभी किसी इंसान का मांस खड़े खड़े मोम की तरह पिघल जाए, गल जाए, तो फिर कल्पना कीजिए कि आप उसे देख रहे हैं तो आपको कैसे लगेगा, कैसे लगेगा आपको? किसी इंसान का मांस कभी जला हुआ खाने का जो इंसान जल जाता है उसे देखने में बहुत बुरा लगता है, लगता है भाई? लेकिन आप इसे देख सकेंगे इसने को कि इंसान का मांस खड़े खड़े ही गल जाएगा, मोम की भांति पिघल जाएगा, हड्डियों का पिंजर रह जाएगा, ये परमाणु में रहेंगे, यही काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं अमेरिका में एक किसान है 48 में, जापान के दो शहर नागासाकी हिरोशिमा में दो बम गिराए थे जिसे कहते हैं एटम बम। उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। आज तक भी दो शहरों में हरियाली नहीं होती है। आज तक यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपाहज पैदा होते हैं, हैंडीकैप पैदा होते हैं। अमीन, अमीन। वो लिटिल बॉय उस समय लिटिल बॉय दो बम गिराए थे, जब परमाणु की शुरुआत थी। आज तो बहुत बड़ा बच्चा, आज वो तो आज क्या हुआ? तो भाई क्या जी वचन चलेगा? जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, मेरे मुंह का वचन कभी क्या ये चलेगा? ये कभी भी नहीं चलेगा। हालेलुया, आज संसार विरोध करता है, सात गर्दन का विरोध कर रहा है, सात गर्दन का विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। फिर बात कहती है सात गर्जन उठाए जाने का विश्वास है रच्चे का। आमीन, सात गर्जन लोगों को इकट्ठा करेंगे, दुल्हन को इकट्ठा करेंगे ताकि दुल्हन बाहर निकले। सात गर्जन दुल्हन को, कोई पाठ इकट्ठा नहीं करेगा, जितना मर्जी जोर लगाओ पिता भाई हम इकट्ठे हो जाए, भाई हम इकट्ठे हो जाए, लेकिन सात गर्जन ही। क्या नबी ने कह दिया सात गर्जनी दोनों इकट्ठा करेंगे तो दूसरा कौन रास्ता दे? तो नबी ने कह दिया सात गर्जनी उठाए जाने का विश्वास है तो उसमें दूसरा विश्वास है। जब नबी ने कह दिया सात गर्जन के द्वारा उस मसीह जीवन के द्वारा हम पहचाने जाएंगे कि हम वो सात गर्जन हमारे जीवन से प्रकट होंगे। आमीन, हालेलुया। वो सात गर्जन क्या है? लाइफ ऑफ द क्राइस्ट, मसीह का जीवन, इसका जीवन मसीह का जीवन। और जहां यीशु मसीह आता है वहां रूपांतर आता है, वहां जीवन में बदलाव। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे दिन आने वाले? बहुत बुरे दिन संसार में आने वाले, बहुत ही बुरे दिन संसार में आने वाले हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले हम रक्षा में चाहिए, हम पंख झपके उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, तो जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है,
निकल कर मेरे मुंह का शब्द आइए आज फिर राजा को देखिए। एक दिन रानी को देखिए, उस राजा का नाम था अहाब। वो राजा उसका नाम था अहाब। अहाब उसकी पत्नी का नाम क्या था? इज़ेबल। संसार में सबसे पहले ब्यूटी पार्लर चलाने वाली औरत वही हुई। संसार में सबसे फैशन की माता वही हुई है। सही बात है, बहुत ज्यादा फैशनेबल औरत थी। तो राजा ने, क्योंकि राजा की बेटी थी, तो राजा हाफ ने उससे शादी की। शादी कब की? कि एक तो मेरा जो राजनीतिक पावर है वो बढ़ जाएगी, तो दो राजा इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे ससुर की पावर मेरे साथ मिल जाएगी। और उसे बाहर का रूप देखा, अंदर से नहीं देखा। तो बाल कहती है सुंदरता शलम। आमीन 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 आमीन। सुंदरता क्या है? पर जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा है। आमीन हालेलुया। उन्होंने लिखा है बाइबल में कि बेटियों तुम्हारा चाल चलन कैसा, जैसे सारा का था, जैसे रिबिका का था। आमीन आमीन। जैसे मरियम का था, वचन पेश किया है मैंने उनको। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। अपन को पासी दे इस रानी ने, तो इस राजा को इन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवाई। इस राजा रानी ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवाई, क्योंकि उस भाई का नाम था नबोध। तो राजे के महल के साथ उसका बाग था। तो राजे के मन में आया कि ये बाग मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। और ये जानता था, ये जानता था कि राजा अविश्वासी ही रहा। तो ये मेरे बाप बलों की निशानी है, मैं किसी अविश्वासी को नहीं दूंगा। उसने मना कर दिया, राजा ये मैं तुझे नहीं दूंगा। उसके ऊपर झूठे दोष लगाकर उसे मरवा दिया गया। नबोध को झूठे दोष लगाकर पत्थरवार करके उसे मरवा दिया गया। तो कुत्ते उसका जख्म, उसका लहू चाट रहे। एलिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, हे राजा जैसे आज इस निर्दोष व्यक्ति का लहू कुत्ते चाट रहे हैं, तेरा लहू भी कुत्ते चाटेंगे। हे रानी तेरा मांस कुत्ते खाएंगे। ये वचन था, वचन बोल दिया गया और वचन पूरा होना है। हालेलुया वचन पूरा होना है। हालेलुया। मैं तो पहला राजा इसका 22 चैप्टर राजा की पुस्तक शुरू से पढ़ेंगे। इसराइली और अरामियों में कोई युद्ध नहीं हुआ, पढ़िए 3 साल तक। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इसराइल के राजा के पास गया। तब इसराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? गिलाद और रामोत ऐसे वाक्य थे जो बहुत ही सुंदर वाक्य थे, अच्छी पैदावार देने वाले इलाके थे, पर आरामी लोगों ने उसके ऊपर कब्जा किया। क्या किया था? कब्जा। जैसा कि हमारे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ कब्जा किया हुआ। हालेलुया हालेलुया। अरे भाई बहनों, पहले मैं आपको बात करना चाहता हूँ, हमें अपने देश के प्रति भी 100% ईमानदार बनना है। जो अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं है वो परमेश्वर के प्रति कभी ईमानदार नहीं होते। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें अपने देश के प्रति क्या है, हमें ईमानदार बनना है।
नहीं है, बापी मेरी पहचान है। हालेलुया, आमीन। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, शरीर मेरा भारत देश का नागरिक है, पर प्राण मेरा स्वर्गीय है। मेरा प्राण और प्राण उस देश का नागरिक है, तो शरीर इस देश का नागरिक है। हालेलुया, अपनी फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे आराम के राजा के पास। ऐलान करना चाहता हूँ, अभी श्रीलंका में चर्च में बड़े बड़े धमाके हुए, लगभग 333 लोग मुल्तान मार गए, ज्यादा हो सकते हैं मैं नहीं जानता हूँ। बहुत बड़े बड़े धमाके हुए, बहुत लोग मर गए, चिथड़े उड़ गए इनके, उड़ गए। हालेलुया, क्योंकि वो कार्य वही कर रहे थे जो कार्य परमेश्वर ने मना किए हुए, तो भी हम उन लोगों से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग कुछ जैसे भी थे फिर भी मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं शैतान को इस बात का चैलेंज देना चाहता हूँ, कहे वो सरकार से सर मसीह का गोली से मार दे, तलवार से काट दे, बम से उड़ा दे, हम मृत्यु से पार को जीवन में जाऊंगा। वो आज भी फेल है, वो मसीह लोगों को रोक नहीं सकता। उसी बातें कोई सरकार है, कोई जो भी सरकार की अच्छी है या बुरी है, प्रभु की ओर से नियुक्त होती है। सरकार बुरी है, वो भी सरकार बुरी है, पर प्रभु उसको ठहरा है। विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। हम अपने देश के प्रति पूरे ईमानदार हैं, देश के प्रति ईमानदार हैं। हालेलुया, पर मसीह के प्रति सच्चे मांग रहे हैं। आमीन, आमीन। अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। चैलेंज देना चाहता हूं, स्वागत करना है। तुम एक मारोगे तो लाखों पैदा होंगे। मैं यही कह रहा हूं कि हम दस मारेंगे, एक को मारोगे लाखों पैदा होंगे। एक मसीह मरा तो कितने पैदा हुए? पूरे वर्ल्ड में। तो सेवा देना मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान की कोई चाल इस वचन को रोक नहीं सकती। कितने भी खिलाफ लड़े जाए, जितना विरोध होगा ये वचन बढ़ता ही जाएगा। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं। तो मेरे प्रभु ने मृत्यु को जीता है। हे मृत्यु, तेरा दंत कहाँ है? तेरा दंत है कहाँ? ये बाइबल कहती है, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में जाते हैं। मुझे मरने का तो डर नहीं है, क्यों नहीं है? जीना मेरे लिए मसीह और मरना, मरना भी फायदे की बात है, मरना भी लाखों दूर खड़े होंगे, सूर्य देखेंगे, लाखों दूर खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे जीना भी मसीह है, मैं भी मरना भी लाभ है। जीऊंगा तो मसीह जीऊंगा, मर जाऊंगा तो हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। आप पढ़िए आगे। फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, क्यों तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा, यहोशापात से राजा का दोस्त था, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, पढ़ने में ज्यादा लगेगा। यहोशापात राजा था, धर्मी था, पर इस राजे का क्या था? वो संदी था, इसकी बेटी की उसकी गलतियां हुई थी, शादी हुई थी इजबल की बेटी की, यहोशापात की, इजबल की बेटी यहोशापात की बहू थी। जब वो जाकर वहां गई तो जाते अपने पति को भड़काया, उसने अपने भाई को मार दिया। बस शिक्षा किसी थी इजबल की,
हालेलुया। कई बार कहते हैं विश्वासी को विश्वासी की शादी शादी करनी चाहिए, नहीं तो दुख होगा, नहीं तो आमीन। हालेलुया 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 आमीन आमीन। आप तो बहुत आशीष दे। तो यहोशापात कहने लगा यह कोई नबी नहीं है जो हमारे विषय में भविष्यवाणी करे, परमेश्वर से पूछे कि हम युद्ध करने जाए हम जय पाएंगे या नहीं पाएंगे। कहता मेरे पास 400 नबी हैं, शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े प्रभु पादरी हैं जो जिनको मैं तनखा देता हूँ, वो बड़ी प्रार्थना करते हैं। उनको बुलाया गया, सब लाइन में खड़े थे, बढ़िया बढ़िया पोशाक डाल के खड़े थे, लंबे लंबे चोगे डाल के खड़े थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। राजा चढ़ाई कर तू विजय पाएगा, राजा चढ़ाई कर तू जय पाएगा, राजा चढ़ाई कर तू यहोशापात कहने लगा ये बात कुछ बनी नहीं। कहना क्या यहाँ कोई और नबी नहीं? हाँ जहाँ कोई और नबी भी है, उसका नाम क्या है? मीका। उसका नाम क्या है? मीका। झोपड़ी में रहता है, उसे अच्छे पास उसके पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो इतना देख रहे हैं नबी लगता भी नहीं है। तो जब भी बोलता है मेरे विरोध ही बोलता है, जब भी बोलता है मेरे विरोध ही बोलता है, तब उसको बुलाया जाए। मीका नबी को बुलाने के लिए भेजेंगे, दूध भेजेंगे। जब मीका नबी को जाकर कहा देख बाकी सब नबी राजा की बुराई की बात बोल रहे हैं, तू भी वैसे ही बोल रहा, तू भी वैसे ही बोल रहा। कहता मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे यहोवा बोले। हालेलुया। मतलब झोपड़ी में गया प्रार्थना करने के लिए, उसने सर को झुकाया, उसने देखा सारी भेड़े बिखरी हुई, भेड़े जिनका कोई अयाली नहीं है। उसने अपने विजन को एलिया नबी के वचन के साथ जुड़ा कि एलिया ने तेरे को शराब दिया, मैं कैसे बरकत दे सकता हूँ? एलिया ने क्या दिया? शराब दिया, मैं कैसे आशीष दे सकता हूँ? ये सब झूठे नबी करते। हालेलुया हालेलुया। जब गया राजा चढ़ाई करो जीत जाओगे, बाजार में खा दोगे। राजा देखो उसे मजाक मत कर, मुझे साफ साफ बोल। कहता राजा मैंने इज़राइल को देखा, बिखरी हुई भेड़े देखी जिनका कोई अयाली नहीं, अयाली मर गया। राजा बड़ा गुस्से में आया, वो गुस्से में आ गया। मैं कहता था ना ये मेरे विरोध ही बोलेगा, मेरे पक्ष में नहीं बोलेगा, इसे अंदर कर दो, तंगी की रोटी दो, तंगी का पानी दो, जब आऊंगा फिर देखूंगा बात करूंगा, जीत के आऊंगा फिर क्या करूंगा। कैसा राजा वापस आएगा तो बात करेगा ना। राजा वापस आएगा तो तभी हमने अमेरिका विषय भविष्यवाणी करी है कि अमेरिका का सर्वनाश हो जाएगा। हालेलुया। आगे वचन टलने वाला नहीं है, इनका आलास का समुद्र में डूब जाएगा, डूब रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। सीरिया की विषय भविष्यवाणी थी कि सीरिया खंडर बन जाएगा, बन गया भाई। इराक की विषय भविष्यवाणी थी इराक जेब बन जाएगा, कम लिखा हुआ ना, वो हुआ। जमीन टल सकती है, आसमान टलेगा, उसका वचन नहीं टलेगा। आमीन आमीन हालेलुया। फिर क्या हुआ? राजा झुंड के मैदान में गया तो राजा ने देखा कि मुझे कोई पहचान ना ले, एक सिपाही की वर्दी डाल, सिपाही की वर्दी कि मुझे कोई पहचान ना। जब युद्ध हो रहा था एक सिपाही ने ऐसे ही अटकल पर चुके होके ऐसे तुक्के से की तरह तुक्के से ही जा रहा था फिर उसके पीछे पीछे जा रहा। राजा को तीर लगा, राजा
जख्मी हो गया, मरने पर था, उसने अपने रथ चलाने वास्ते कहा मुझे यहाँ से ले सकते, पर मैं दुश्मन के हाथ आ गया, दुश्मन इसका बहुत बड़ा जुलूम करेंगे, उसका लहू बहता गया, लहू बहता गया, उनका रथ को धोया गया तो लहू कुत्तों ने चाटा, किसने लहू चाटा, कुत्तों ने लहू को वचन था नहीं सकता। वो रानी जो बहुत फैसले को रानी थी, घमंडी रानी थी, महल के ऊपर चढ़ी थी, उसके अपनों ने उसे धक्का दीजिए, उसका मांस सब बिखर गया, कुत्ते आके उसका मांस खा गए। ये वचन कभी डरे गए, हम स्वर्ग जाने वाले हैं, हम बदल जाने वाले हैं, मुझे अगर मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ये वचन कभी बदलने वाला, बस अभी हमें बदलने दीजिए, के साथ पूरे क्या बने, हर बात में क्या बने, ईमानदार बने, हर बात में वफादार बने, नम्र बने, दीन बने, भाईचारे की प्रीति से भरे, हालेलुया हालेलुया, संतों से भरे, आमीन। अपने मुंह से कोई बात कहने से पहले सोचे परखे कि जब मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं, हालेलुया, हर बात को परखे, सोचे कोई इंसान अपने मुंह से ज्यादा इंसान अपने मुंह की बातों से दोषी करे, हम इस बात के लिए नम्र बने, दीन बने, कोई यीशु मसीह का तुम दीन बनो, तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो तो ऊंचे की जाओ, तुम नम्र बनो तो ऊंचे किए जाओ, स्वर्ग का राजा सबसे दीन बनो ताकि हमें ऊपर ले जा सके। आइए हम सब प्रार्थना करें।